आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न, शक्ति से संबंधित आंकिक प्रश्न। क्या क्या हम लोग न्यूमेरिकल इस एग्जाम में शक्ति से संबंधित क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया है कि एक मोटर पंप की, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आप पाएंगे लिखा है एक मोटर पंप की सामर्थ 3 किलोवाट है। 3 किलोवाट है। एक मोटर पंप की सामर्थ जो है 3 किलोवाट है, यह प्रति मिनट आज के जगह लिखा है वाट है, यह प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई पर इतना जल 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाया गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक मोटर पंप की जो सामर्थ्य है वह 3 किलोवाट है, यह प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये मैप लिखेंगे माना कि मोटर द्वारा यम की ग्रह जल प्रति मिनट मान लिया जाए कि मोटर के द्वारा प्रति मिनट यम की ग्रह जल प्रति मिनट प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे आप जल 10 मीटर ऊंचाई पर चढ़ाने में किया गया था। अगर अपनी दुकान को छत्तू हो जाए क्योंकि जब जल को चढ़ाएगा जल की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा आप यहाँ देख सकते हैं, जो परिवर्तन होगा वो कितना है,
एम जी एच ओके। इसके बाद से जो मोटर है मोटर का सामर्थ्य कितना है देखा था तो मोटर का सामर्थ्य किलोवाट का मतलब ये हो गया कि थ्री किलोवाट मतलब ये हुआ कि ये 3000 जूल जो है ये कार्य प्रति सेकंड में करे अतः प्रति सेकंड Thank you.
ऊंचाई पर जो मोटर होगा क्या करेगा, प्रति मिनट 10 की गिना का जो है पानी जो है 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा। ओके, आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रस्तुति है, समझने वाला है और इसको आप लोग साफ करेंगे, साफ भी है आशा है। सही, एक प्रश्न और हम देखते हैं, एक प्रश्न और हम लोग साफ करते हैं। क्वेश्चन होगा कि एक व्यक्ति 5 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर, क्वेश्चन है एक व्यक्ति पांच मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर स्थिर चाल से 12 सेकेंड, इसलिए हमें कॉन्स्टेंट उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 12 सेकेंड में चढ़ता है, व्यक्ति है जो 5 मीटर लंबी सीढ़ी पर स्थिर चाल से चढ़ता है। यदि सीढ़ी के उच्चतम बिंदु पर, यदि सीढ़ी की उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में किया गया कार्य 30 जूल हो तो, 30 जूल हो तो सामर्थ्य की गणना करिए, सामर्थ्य की इस तरह से आपने बहुत ही दो जबरदस्त क्वेश्चन देखा और इस क्वेश्चन को देख करके आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि क्या कैसे हम शक्ति निकालते हैं। तो साथियों, ये शक्ति से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और इस क्लास में बस आज के लिए।